हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे पास ये होम थिएटर आया तो इसमें प्रॉब्लम जो है इसकी ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं होता है, प्लस इसकी यूएसबी में लाइन नहीं आता। ओके, तो ये मैंने ऑन कर दिया, अब ये यूएसबी है। अब देखिए इसमें मैं कार्ड रीडर लगाऊंगा तो क्या आता है। देखिए देखिए, कार्ड रीडर में कोई लाइन नहीं आ रहा है, इसका एलईडी ब्लिंक नहीं कर रहा है। ओके, दूसरा प्रॉब्लम जो है इसका ब्लूटूथ, ये देखिए ब्लूटूथ मोड दिखा रहा है। ओके, अब देखते हैं ब्लूटूथ सर्च करके। ये देखिए ब्लूटूथ ऑन है, अब देखिए सर्च हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्यों, और इसका जो एलईडी है ब्लूटूथ की ये ब्लिंक कर रहा है। ओके, देखिए ये सर्च ऑफ हो गया और कुछ नहीं आया इसमें, तो इसका मतलब है इसका ब्लूटूथ और यूएसबी की लाइन ये डैमेज है। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या डैमेज हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो मॉडल नंबर है वो है सोनी का, ये है मॉडल SAD40। ओके, और बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, देखिए। ओके, तो ये डिवाइस कैसे काम करता है वो पहले हमें देखना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि इसके जो पीछे की जो साइड है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये है क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड। इसमें देखिए ये वाला एडाप्टर से इसमें पावर दिया जाता है। ओके, तो ये एडाप्टर है आपका 18 वोल्ट 2.6 एम्पियर की। ओके, तो ये क्लास डी बोर्ड से चलता है, तो यहाँ पे क्लास डी बोर्ड है। ओके, तो ये एम्पलीफायर बोर्ड है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऑक्स मोड में हम बजाते हैं तो देखिए ये आवाज कर रहा है। ओके, मतलब इसका एम्पलीफायर सही है, तो इसको हमें खोलना नहीं है। फिर भी मैं खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है, कौन सी एम्पलीफायर है। ओके, तो आइए इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो प्लास्टिक है ये इसके साथ ऐसे स्क्रू देके, इन सब जगहों पे स्क्रू देके चिपका हुआ था ये। ओके, उसके बाद इस बोर्ड को खोलेंगे तो अंदर भी 4 स्क्रू मिलेगा, तो मैंने 3 पहले से खोल दिया और ये एक बचा हुआ है, तो इसको खोलेंगे तो पूरा बोर्ड बाहर आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये बोर्ड देख के ही लग रहा है ये क्लास डी बोर्ड है, मतलब कि डिजिटल बोर्ड है, इसमें ज़्यादा बड़ी हीट सिंक की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए क्या हो गया, तो ये छोटा हीट सिंक में ही काम कर देता है। तो यहाँ पर देखिए 2 IC है, एक बड़ा एक छोटा। ओके, तो ये दोनों में से किसी एक हैंडल करता है ये जो सबवूफर बॉक्स है, इसको, ये वाला बॉक्स को, और दूसरा किसी एक में हैंडल करता है ये जो 4 स्पीकर है यहाँ पे, इन चारों को। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और चिप है, ये होता है डिजिटल प्रोसेसर IC, डिजिटल साउंड प्रोसेसर। ओके, तो ये क्या करती है, बेसिकली इसका जो साउंड मोड मतलब ऑडियो मोड को हैंडल करता है, और इसका वॉल्यूम जो है बेस की वॉल्यूम, ये सब हैंडल करता है ये डिजिटल साउंड प्रोसेसर। ओके, ये हमारा जो 3.5 mm जैक है ये है। ओके, और यहाँ पर कुछ और अलग पैसिव कंपोनेंट्स लगाया गया है, ये देखिए इंडक्टर है यहाँ पे कुछ, तो ये सब इंडक्टर क्या करती है, इसका जो डिजिटल एम्पलीफाइड सिग्नल को ये लो पास फिल्टर बनाता है, ये इंडक्टर और कैपेसिटर में, ये लो पास फिल्टर के अंदर जाके यहाँ पे ये ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट होती है। तो ये बेसिकली डिजिटल सिग्नल को एम्पलीफाई करती है, 0 और 1, PWM सिग्नल होता है वो, पल्स विद मॉड्यूलेटेड। तो ये सब मैं बाद में किसी दिन बताऊंगा क्लास डी एम्पलीफायर एक्सप्लेन की वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इसको लगा देते हैं और सामने की तरफ देखते हैं कौन सी चीज खराब हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर 3 केबल मिलता है, ये शायद FM की एंटेना है। ओके, सिंगल, और ये 2 जो तार मिल रहा है, ये दोनों है, ये जो बूफर है इसके अंदर, उस बूफर का लाइन ये दोनों है, और ये जो केबल आपको फ्लेक्स केबल मिलता है ये पूरा कंट्रोल होता है इसके थ्रू। ओके, तो इस फ्लेक्स केबल में क्या क्या डाटा जा रही है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला 18 वोल्ट ग्राउंड USB-L AGND, ये सब है। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो स्क्रू है ये सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रू है, तो ये खुद ही थ्रेड क्रिएट करता है फिर अंदर जाता है, तो इसको जब लगाएंगे तो आप 2 एक बार पीछे घुमा दीजिए तो ये ठीक थ्रेड में बैठ जाएगा लगभग इस तरह से, उसके बाद आप आगे चलाइए तो ये एक ही थ्रेड में बार बार ये चलेगा। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बार बार आप जब खोलेंगे फिर लगाएंगे तो नया नया थ्रेड क्रिएट होगा और कुछ दिन बाद ये थ्रेड खराब हो जाएगा। और इसके सामने जो है, सामने की इस पत्ती को हम खोलेंगे तो देखिए सामने क्या आता है। तो इसके सामने 2 बोर्ड है। ओके, तो ये 2 बोर्ड क्या क्या है मैं बताता हूँ। तो इस बोर्ड में इसका कुछ बटन और LED है और IR रिसीवर है। ओके, और कुछ नहीं है। तो
फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या क्या चिप है, क्या क्या लगा हुआ है। ओके, तो ये जो है ये आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ओके, ये यूएसबी है। तो यहाँ पर जो एक चिप दिख रहा है ये है आपका कार्ड रीडर का चिप, ठीक है। ये यूएसबी के थ्रू जो कार्ड रीडिंग होगा उसका चिप है ये। और यहाँ पर जो एक और चिप है ये है एक माइक्रो कंट्रोलर। ओके, इसका नाम भी दिख रहा होगा F0513। ये माइक्रो कंट्रोलर इसकी रिमोट की सिस्टम कंट्रोल करता है और इन सब बटन को कंट्रोल करता है, और इन दोनों की जो मोड है ये मोड को कंट्रोल करता है ये माइक्रो कंट्रोलर। ओके, अब इसमें और कुछ नहीं है, तो डैमेज क्या हुआ है ओके ये देखना पड़ेगा हमें। अब फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम देखिए, इस चीज़ को मैं ऑन कर रहा हूँ। ओके, ये यूएसबी में मोड है, तो इसकी यूएसबी की वोल्टेज देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने केबल को लगा के रखा, तो ये देखिए 0.72 वोल्टेज आ रहा है, तो इसमें 5 वोल्ट होना चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं इसको बाहर से एक वोल्टेज दूंगा लिथियम बैटरी से और देखूंगा इसका ब्लूटूथ आता है कि नहीं। ओके, तो इसका जो है प्लस माइनस आपको देख के ध्यान रखते हुए वोल्टेज देना है। ओके, तो कुछ चाइनीज केबल में लाल होता है माइनस, इसमें भी ये लाल है माइनस, तो आप हमेशा चाइनीज चीज को आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। ये देखिए आ चुका है एचडी डी फोर्टी, इसका जो मॉडल नंबर है ये आ चुका है। देखिए अब इसमें पेयरिंग भी हो जाएगा। देखिए ये देखिए कनेक्टेड हो चुका है। अब इसको बैटरी को खोल देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है जो कि इसकी ब्लूटूथ मॉड्यूल में पावर सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ओके, देखिए बैटरी को खोल दिया, ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये पेयरिंग नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा इसके साथ। ये देखिए तो प्रॉब्लम हमें पता चल गया कि इसकी यूएसबी में जो जिस सेक्शन से पावर आता है उसी सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो आइए इसको रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हमने देखा कि ये आउटपुट में पावर ही नहीं दे पा रहा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा इसकी पावर सप्लाई की सर्किटरी कहाँ है। तो जहाँ आपको ऐसा एक इंडक्टर मिलेगा प्रोबेबली यही आपका पावर सप्लाई की सर्किटरी है। ये क्या करती है, ये जो पिन है देखिए पिन 19 नंबर की पिन 19.5 वोल्ट, यहाँ पे 19 नंबर की पिन क्या है ये देखिए 19 लिखा हुआ है। तो ये जो पिन है इस पिन का वोल्टेज यहाँ से जाके ये जो फ्यूज है एफ लिखा हुआ है इस फ्यूज के अंदर जाके ये इस तरफ आता है और इसके बाद ये इस कैपेसिटर में जाता है, मतलब इस कैपेसिटर में 19 वोल्ट स्टोर होता है। और इसी से ये जो चिप है यहाँ पे लगा हुआ छोटा छोटा चिप जो है 6 पिन का, ये डायोड और ये जो इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है ये 4-5 कंपोनेंट ने मिल के 5 वोल्ट बनाता है 19.5 वोल्ट से। ओके, और ये 5 वोल्ट इस कैपेसिटर से जाके आपका यूएसबी में जाता है। तो ये देखिए प्लस लाइन है ये यूएसबी में गया, और माइनस जो है ये हर तरफ फैला हुआ है ये यूएसबी में गया। ओके, तो ये यूएसबी में पावर नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन है ये जो सर्किटरी है ये हमारा डैमेज है। दोस्तों ये उस सर्किट की प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जो 19 वोल्ट की लाइन है इसी में पावर नहीं आ रहा है, लेकिन उस तरफ की जो एम्पलीफायर बोर्ड है उसमें लाइन भेजा गया है लेकिन इसमें नहीं आया, तो इसका मतलब फ्लेक्स केबल डैमेज है। तो ये फ्लेक्स केबल कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं पता नहीं है, तो इसलिए हम यही से कुछ करके 5 वोल्ट निकाल के इस यूएसबी में देंगे। तो ये जो रेगुलेटर चिप इसका यूज तो आप सभी को पता है, ये है इसकी इनपुट पिन, बीच में ग्राउंड और इस साइड में आउटपुट पिन। ओके, तो ग्राउंड को कॉमन कर देना है दोनों में, और इनपुट में आप दे देना 10-15-20 जो भी वोल्टेज, और आउटपुट में ये 5 वोल्ट निकालेगा। और दोस्तों ये डिवाइस थोड़ा सा हीट होता है, इसके लिए हीट सिंक लगाना पड़ता है, तो हम जितना ज़्यादा वोल्टेज इसमें देंगे उतना ही ज़्यादा हीट इसमें होगा। तो हम इसमें लो वोल्टेज देने की कोशिश करेंगे, बस 5 वोल्ट से थोड़ा सा ही ज़्यादा, और ये 5 वोल्ट इसमें निकालेगा, क्योंकि इसकी जो ये फ्लेक्स केबल आ रहा है इसमें 5 वोल्ट किसी में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट के ऊपर क्या वोल्टेज हमें अवेलेबल है, 5 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज। ओके, तो इस फ्लेक्स केबल की कनेक्टर ये वाला है, तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ये देखिए 12 नंबर की पिन में 9 वोल्ट है और बाकी किसी में 5 वोल्ट के करीब वोल्टेज नहीं है। तो 12 नंबर की पिन क्या है, तो यहाँ पर देखिए 1 शुरू होती है, ये है 2, और यहाँ पर देखिए 19 में ख़त्म होती है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये वाला पिन है, इसी में 9 वोल्ट आएगा। ओके, तो हमें यहाँ से एक वोल्टेज ले लेना है, और ग्राउंड कहीं से मिल जाएगा, ये जो माइनस वाला पॉइंट होता है यहीं से ग्राउंड मिल जाएगा, तो इसमें दे देंगे। और इसका जो आउटपुट है इसको हम सीधा लाके
इस वाली जो यूएसबी के बगल में कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव में जोड़ देंगे तो ये बोर्ड चालू हो जाएगा। और अगर आपका प्रॉब्लम कहीं और है और इसको आप चालू किसी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक दूसरा ब्लूटूथ मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा। ये जो मॉड्यूल है ये ऑफलाइन मार्केट में इतना नहीं मिलता है, ऑनलाइन का पता नहीं, अगर मिलता है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको ये मॉड्यूल लगाना है, दूसरा मॉड्यूल ब्लूटूथ का, तो आप इसको लगा सकते हैं पीछे की साइड में। ओके, तो पीछे की साइड में यहाँ पे देखिए जो बॉक्स जैक है इस जैक में इसकी आउटपुट को दे देंगे। ओके, तो इसमें भी 5 वोल्ट देना है, तो 5 वोल्ट कैसे बनाएंगे वो तो मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पे भी वो सब कनेक्शन मिलेगा, 9 वोल्ट से लेके आप 5 वोल्ट बना सकते हैं कोई रेगुलेटर यूज करके। फिर 5 वोल्ट इसकी जो वी इन लाइन है ये देखिए ग्राउंड और 5 वोल्ट। ओके, तो 5 वोल्ट में 5 वोल्ट दे देंगे, ग्राउंड में ग्राउंड दे देंगे, और ये देखिए एल आउट, ए जी एंड आर आउट, ये 3 कनेक्शन होता है। इस जो जैक है इसका भी कनेक्शन सेम होता है, तो सेम सेम कनेक्शन लगा देंगे। तो ये टीवी मोड मतलब जो लाइन इन मोड है इस मोड में चलाएंगे तो ये ब्लूटूथ काम करेगा। ओके, अब फ्रेंड्स एक्सीडेंटल टच को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पीछे एक टेप मार देंगे ताकि ये कहीं ना लग जाए। ओके, अब देखते हैं चालू करके। अब ये देखिए ये लाइट जल के रह गया, तो इसका मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है मेरे फ़ोन से। ओके, कनेक्टेड। अब इसका यूएसबी दिखा देता हूँ, यूएसबी भी रीड लेगा। ये देखिए इसमें भी पावर आ चुका है, तो हम इसको यूएसबी मोड करेंगे। तो इसका स्पीकर मेरे पास नहीं है तो इसका बुफर ही बज रहा है, आप सुनिए। ओके, अब इस तरफ देखिए वो हैक मैंने करके रखा है, आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए 7805। तो ओके फ्रेंड्स, इसको खोलना आपको नहीं बताया कैसे खोलना है। तो इसको खोलने के लिए आपको ऐसे कुछ मेटल की चीज या फिर कोई ऐसी स्लैब्स जैसी चीज लेके इसके अंदर घुसा के आपको प्राई करना है, ऐसे तो ही निकलता है ये। ओके, इस तरह से आप जब लगाएंगे तो ऐसे सेम सेम लगा के ऐसे प्रेस कर देना है, तब ये बैठ जाता है। अब ये ब्लूटूथ से प्ले हो रहा है इसी फोन से, जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए इसका बूफर ये बज रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये रिपेयर हो चुका है 100%। ओके ओके, ये तैयार हो चुका है। अब ये वीडियो कैसा लगा कौन से बताना, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार देना। और अगर इस तरह के वीडियोज आपको देखना पसंद है, कुछ रिपेयरिंग टिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ बेसिक जानकारी की वीडियो, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।